Welcome to this lecture. In this lecture we will work on search functionality. इस लेक्चर में हम सर्च की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे. मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से सिटी सेलेक्ट करें और ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट करें. अगर हम फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं और हम जो है वो किसी डोनर को सर्च करना चाह रहे हैं जिसका सिटी जो है वो नीलम हो और बी पॉजिटिव ब्लड हो, और सर्च पर हम जब क्लिक करें तो वो हमारे सर्च वाले पेज पर चला जाए और यहाँ पर वो डोनर्स जो हैं वो शो होने चाहिए जो के उस सिटी और ब्लड ग्रुप पर एग्जिस्ट कर रहे हों, जिनका ब्लड ग्रुप और वो सिटी सेम हो या दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो सेम होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो हमने इंडेक्स वाली फाइल को देखना है और यहाँ पर हमने फॉर्म पर जाकर ये एक्शन जो है ये चेंज करना है. यहाँ पर मेथड जो है वो हमारा गेट है. गेट अरे के जरिए हम वैल्यूज़ को रिसीव करेंगे. यहाँ पर हम मैं सर्च डॉट पीएचपी कर देता हूँ. सर्च डॉट पीएचपी सो सेव कर देते हैं. और अगर मैं अब होम पर जाता हूँ और यहाँ से मैं वैसे सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ सेलेक्ट एन एटम इन द लिस्ट. तो सबसे पहले तो एटम जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा. सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं ये सर्च वाले पेज पर आ गया हूँ और सिटी में जो वैल्यू है वो सिटी का नेम है और ब्लड ग्रुप में जो वैल्यू है ये जो परसेंटेज साइन है टू बी ये ए पॉजिटिव को जो है वो इंडिकेट कर रहा है. ये जो है स्पेशल करेक्टर है पॉजिटिव, तो उसको हम किस से शो कर रहे हैं? परसेंटेज टू बी से शो कर रहे हैं. ओके सो अब हमने ये तो सक्सेसफुली कर लिया. इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हमने यहां पर जो मैंने मैसेज दिया हुआ डिस्प्ले द सर्च रिजल्ट, इसके अंदर हमने पहले तो इफ कंडीशन लगानी है और इफ कंडीशन में हमने वो सारा रिजल्ट जो है वो गेट करना है. पीएचपी और नीचे आकर यहाँ पर हम पीएचपी का कोड जो है वो क्लोज करेंगे. ओके सो सबसे पहले उसी तरह इज सेट और यहाँ पर हम गेट अरे देंगे, यहाँ पर अंडरस्कोर भी देंगे और हमने क्या क्या देना है जी, ये मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं. और नॉट एम्प्टी का मैसेज भी आप लोगों को पता है, हमने डिस्कस किया था. और इसको हम एक कंडीशन बना देते हैं. यहां पर भी इसको हमने एक कंडीशन और यहाँ पर सिटी लिख देते हैं और यहाँ पर भी, क्योंकि हमारे जो इंडेक्स का नेम है वो सिटी है. और यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन बना देते हैं जी, सिंपली इसको ही हम कॉपी करके यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देंगे. यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं. और यहाँ पर जो हमारे इंडेक्स का नेम है, ब्लड ग्रुप का जो वो ब्लड ग्रुप ही है, उसमें अंडरस्कोर भी है, तो वहाँ से हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देंगे. मैं टाइम कम लगे, कम से कम टाइम में मैं बना सकूँ, इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ. वैसे भी लिख सकते हैं, पीछे से देखकर जो इनपुट का नेम है वहाँ पर ब्लड ग्रुप ही होगा. ओके और इसका सिटी ही होगा. सो अब हम सिंपली यहाँ पर कोई मैसेज जो है वो इको कर देते हैं, हेलो. एंड मैं अब इसको जब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर वो हेलो का मैसेज जो है वो आ रहा है. अगर हम होम पर जाते हैं, कोई सिटी सिलेक्ट करते हैं और ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करके आते हैं तो यहाँ पर हेलो का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है. अगर हम वैसे इसको जो है विदाउट
सर्च के आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, सो नाउ हमने अब क्या करना है, यहाँ पर जाना है अपना डोनर्स वाले पेज पर, या यहाँ पर हमने फंक्शनैलिटी donor.php में जाना है और यहाँ से हमने सारा कोड जो है वो कॉपी कर लेना है। ओके, सो यहाँ से हमने ये सारा कोड कॉपी कर लिया और उसके बाद हमने कहाँ पर आना है जी, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और इसको हम सेव कर देते हैं और सेव करके हम होम पर जाते हैं और होम पर जाकर ये सर्च करते हैं तो ये रिकॉर्ड जो है वो सारे के सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि हमारी क्यूरी ही ऐसी है उसमें हम सारे रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ जी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डोनर वेयर क्लॉज के थ्रू हम क्या करते हैं जी, स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेयर सिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मुझे टू वेरिएबल्स क्रिएट करनी है, सिटी और यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिख देता हूँ और यहाँ से मैं ये ब्लड ग्रुप गेटर से यहाँ दे देता हूँ और यहाँ से सिंपली मैं सिटी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये टू वेरिएबल्स में मैंने ये स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर कॉपी करेंगे इसको और आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमास में हम स्ट्रिंग देते हैं और कंडीशन अप्लाई करूंगा, दोनों में से कोई भी चीज जो है वो सेम हो। ओके, सो यहाँ पर सिटी दे दिया और ब्लड ग्रुप जो हमने दिया था कॉलम का नेम वो यहाँ पर हम एज इट इज क्या देते हैं जी, ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू और यहाँ पर हम ये दे देंगे वेरिएबल का नेम और वेरिएबल का नेम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं। अब हमने सेव भी कर लिया। सो ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। ओके, और कोटली बोलान डेरा बुक्टी ये जो है वो सिटी के नेम है। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए पॉजिटिव वाला लेते हैं तो यहाँ पर ए पॉजिटिव वाला ही आ रहा है और बाकी नहीं आ रहे। ओके, तो यहाँ पर मैं अब कोटली लेता हूँ, ए बी पॉजिटिव हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ कोटली वाला जो है वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी सिटी सिलेक्ट करता हूँ नीलम और बी पॉजिटिव सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर बी पॉजिटिव वाला आ रहा है। अब हम एक ऐसा रिकॉर्ड सर्च करते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम ओ पॉजिटिव सेलेक्ट करते हैं, डाटा नॉट फाउंड, तो यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिला तो नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।